क्या हुआ, साइंस नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि साइंस कहां से स्टार्ट करें, साइंस में क्या पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसी चीज जिसके थ्रू आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपको जो साइंस है वो कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे अपने जो स्कोर को अचीव करना है 95% को। इजिली मैं आपको बताऊंगा कि आप 95% को कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो का मिशन ही होने वाला है 95% हाउ टू अचीव 95% इन साइंस बोर्ड एग्जाम क्लास 10 बच्चों के लिए। वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि आपकी क्या रहने वाली है स्ट्रेटेजी, आपको ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी आपको टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, जस्ट काम की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा कि जो चीज एक्चुअल में होनी चाहिए, एक्चुअल में जो साइंस का पेपर बनता है वो कैसे बनता है, हमें एक्चुअल में किस चीज के अंदर फोकस करना चाहिए, हम इसे अचीव कर जाए इस 95% को। एक्चुअल में हम आज करने वाले साइंस एग्जाम को हैक करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर साइंस के एग्जाम को। सबसे पहले बात को समझो कि एक्चुअल में जो साइंस का पेपर है वो आता कहां से है, क्या चीज उसमें पूछी जाती है, वो चीज को अगर आपने पकड़ ले तो आप इजीली समझ पाओगे यार, इजीली आप अपने साइंस के एग्जाम को क्या पाओगे अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आप ये चीज समझ गए एक्चुअल में जो साइंस का एग्जाम है वो बनता कैसे है, क्या लॉजिक है उसमें, लॉजिक चीज को समझो। ये मतलब जो यार मैंने ये पढ़ लिया, मैंने सैंपल पेपर लगा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने उसकी वन शॉट वीडियो देख ली, मैंने मैराथन देख ली, डोंट डू दिस, जस्ट फोकस ऑन योर माइंड कि एक्चुअल में आपको जो साइंस को हैक करना है और वो हैक इन 4 दिन में आपको कैसे करना है। आज की वीडियो के अंदर हम साइंस एग्जाम को हैक करेंगे, तो देखो बच्चों हमारे पास जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें एक्चुअल में आपसे पूछा गया जाता है, तो आप किसी भी पिछले साल के कोई भी पेपर उठा के देख लो, तो पेपर के अकॉर्डिंग में आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसकी बिल्कुल ना करें, अगर वीडियो को अच्छे से समझ गए ना, वीडियो को शॉर्ट नहीं करूँ, मुझे आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए बिल्कुल सीधे काम की बात करते हैं। अगर कोई भी लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखोगे, लास्ट ईयर पेपर, तो अगर आप कोई भी लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो एक्चुअल में जो हमारे पास सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, एक्टिविटीज, ठीक है, डायग्राम्स और आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और पीवाईक्यूज, ये 5 चीजें आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिंपल सी बात है, पहली बात तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे, मैराथन देखेंगे, बच्चों ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अपने साइंस के एग्जाम को समझो कि आपको साइंस के एग्जाम को हैक कैसे करना है। हैक करने के लिए टेक्निक को ही नहीं बताएगा, सब स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, ऐसे टाइम टेबल बना लो, ये टाइम पे रिवीजन कर लो, ये कर लो वो कर लो, भाई हमने साइंस एग्जाम को हैक करना, ये सब करना होता तो हम 365 दिन अपने बर्बाद थोड़ी करते। तो इसमें आपको क्या करना है, तो लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठा के देखोगे, कोई भी पेपर उठा के देख लो, तो उसमें आपको जो सीबीएसई वो एक्टिविटी हमेशा डालता ही डालता है, तो भाई जितनी भी एक्टिविटीज आती है सारी की सारी एक्टिविटीज को चेक मारो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये तो आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स आपसे हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 1-2 डायग्राम जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर जितने भी डायग्राम्स आपसे पूछे जाते हैं वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, हमने जितने भी डायग्राम्स आपको जो है बायोलॉजी के अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे आपने जो चेक लेने हैं, जितना भी आपको दिया गया एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जितने भी आपको डायग्राम दिए गए ईच एंड एवरी डायग्राम को राइट करके देखो, उनके नेमिंग्स जितने भी आपको दिए गए हैं सबको आपने याद कर लेना है। दूसरी चीज, आपने एनसीईआरटी के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो बीच में दिए गए हैं, लास्ट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के अंदर दिए गए, सब कुछ आपको जो है इसके अंदर से पिक कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व कैसे करना है मैं इसके लिए आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं नोट्स बनाने बैठ जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर, अब भाई आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, डोंट मेक नोट्स, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। इवन जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे जो साइंस आपको पढ़ाते हैं उन्होंने आपको पीडीएफ जो सेंड कर रखी है, या फिर आपको कोई क्लास का टॉपर है या फिर कोई स्कूल का टीचर है, उनके जो नोट्स हैं उनको फॉलो करो। फॉलो कैसे करना है इसको चीज से ध्यान से समझ लेना, फॉलो करने के लिए जब आप उनको रीड करोगे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते पेज पढ़ते हैं ये मुझे आता है ऐसे पेज पढ़ते रहेंगे, डोंट डू दिस। नोट्स को फॉलो करने का मतलब होता है जो चीज आपको नोट्स के अंदर दी गई है आपने उसमें क्वेश्चन को रीड करना और उसको नीचे अंडरलाइन करते जाना, ये इस नोट्स का जो है इस क्वेश्चन का जो है वो मेन पॉइंट्स है जिसको आपने क्या करना है याद करना है, जो आपके माइंड में बैठेगा साथ साथ में आप उसको हाईलाइट करते रहोगे अंडरलाइन करते रहोगे तो आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन का ये मेन पॉइंट है, तो वहां पे ये मेन पॉइंट्स मुझे हर क्वेश्चन के अंदर साइंस के अंदर लिखना पड़ेगा तभी मुझे इस चीज के नंबर मिलेंगे, उसके आसपास कोई भी कहानी गिर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए वो चीज उस चीज का मतलब और वो चीज आपको जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर याद रहनी चाहिए। इसलिए आपको खुद के नोट्स अब नहीं बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ लिमिटेड डेज और लिमिटेड डेज को इतने अच्छे से हमने यूटिलाइज करना है ना कि हमें दोबारा से इस चीज को क्या करना पड़े, सोचे भी यार वो 4 दिन मैंने ऐसे कैसे यूटिलाइज कर लिया कि मैं 95% तक पहुंच गया जो मैं पूरे साल में नहीं पहुंच पाया, तो आपको ये सब चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने माइंड से। उसके बाद आपको क्या करना है इंडेक्स के क्वेश्चन करने, इंडेक्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं जो आपको साइड बॉक्सेस में दिए होते हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। एंड द लास्ट वन इज यहां पे एक है पीवाईक्यू, यहां पे बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं स्किप करते हैं, इसकी जगह बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सैंपल पेपर को करते हैं, तो बच्चों सैंपल पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सैंपल पेपर को क्यों नहीं करना उसका मैं एक रीजन बता देता हूं,
सैंपल पेपर के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी के पास ओसवाल है, किसी के पास अरिहंत है, एजुकार्ट है, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सैंपल पेपर है। तो हर पब्लिशर की अपनी अपनी डिफिकल्टी लेवल होती है, अपना मॉडरेट लेवल होता है। तो अगर किसी का ईजी हो, अगर आप सैंपल पेपर कर लिए तो आपको लग जाएगा यार मुझे साइंस सारा का सारा साइंस का पेपर आता है। अगर किसी ने कोई डिफिकल्ट पेपर को पिक कर लिया, उसे वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो जितने भी आपने चीजें पढ़ी होंगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सारा का सारा आपके ब्रेन पर स्ट्रेस डालेगा, यार तुमने तेरे से तो अभी 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो तेरे से जो है सैंपल पेपर तो सॉल्व नहीं हो रहे, तो तू पेपर में क्या करेगा। तो इस तरह से आपके माइंड में स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो हमें स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करना है, इसलिए डोंट डू सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं करने। इससे बेटर तरीका यही है कि सैंपल पेपर की जगह आप PYQ करो। PYQ करने आपको कितने, लास्ट 5 ईयर के। इसके दो बेनिफिट है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हुए भी हैं। आपको विश्वास नहीं होना तो आप बेशक लास्ट 5 ईयर के पेज जो पेपर है उसको उठा के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको तो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं छोड़ना है। 5 साल के पेपर को ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल 5 साल के पेपर कर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा 7 साल के करो, 10 साल के करो, कुछ नहीं, सिर्फ 5 साल के पेपर आपको करने। आपको क्वेश्चन रिपीट करने वाले जो पता लग जाएंगे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आफ्टर दैट दूसरी चीज इसके अंदर से आपको क्या पता चलेगी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन उन्होंने आए हैं वो किसकी फॉर्म में आए, कितने ट्रिकी आए हैं, क्योंकि साइंस का पेपर हमेशा ट्रिकी आता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। साइंस का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, साइंस का पेपर जो होता है वो ट्रिकी होता है। ट्रिकी चीज को अगर आप समझ गए कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये कहना क्या चाहता है, तो मुझे इसके बारे में क्या आंसर लिखना है, मैं कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर आप इस ट्रिक को समझ गए ना, इस ट्रिकी को, तो आप इजीली साइंस के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। साइंस का पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, डैट इज जस्ट ट्रिकी, बस आपने ट्रिकनेस को उसको समझना होता है कि वो जो ट्रिक आई है उसको आपको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। बच्चों इस तरह से आपको PYQ करने के दो बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, दूसरा आपको ये पता लगेगा कि जो क्वेश्चन है वो कितने ट्रिकी आए हुए, कैसे क्वेश्चन को मोल्ड किया गया, किन किन क्वेश्चन को जो है मोल्ड करके पूछा गया, किन किन क्वेश्चन को जो एज इट इज का एज इट इज पूछा गया। तो ये दो बेनिफिट आपको लास्ट 5 ईयर के PYQ में से मिल जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी PYQ को स्किप नहीं करना है। ये 5 चीजों को आपने करना ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, उनको आपने बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन के अंदर स्किप नहीं करना है। जितने भी डिफरेंसेस आपको दिए गए, सारी बुक्स के डिफरेंसेस को छान मारो, सबके जो डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे वो बायोलॉजी के, हर किसी का डिफरेंसेस जो वो आपको आने हैं, गारंटी देता हूँ। पूरे पेपर के अंदर 2 डिफरेंसेस कम से कम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डिफरेंसेस आपने हर कंडीशंस के अंदर जो करके जाने हैं, बायोलॉजी के तो खास करके आपको डिफरेंसेस करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको करनी है, जितने भी डिफरेंसेस हैं, PYQ कर लो, लास्ट 5 ईयर के, NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते, बैक एक्सरसाइज वाले जो बीच में दिए तो सारे कर लो, डायग्राम सारे कर लो बायोलॉजी के, उसके बाद एक्टिविटीज कर लो, इतने में आपका जो है काम बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा साइंस एग्जाम पेपर को कंप्लीट करने में और 95% को अचीव करने में। इसके साथ साथ अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वही जो आपके पास नोट्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स को आपने एक बार रीड करना है, रिवीजन करनी है उसकी, ठीक है, यहाँ पे देख लो, रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बच्चों 95% आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इस चीज को आप चाहे लिख के ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवीजन को स्किप करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आप आज एक्टिविटीज कर रहे हो ना, अगर मान लो आप आज आपने सारी एक्टिविटीज कर ली, 2 घंटे में कर ली, 3 घंटे में कर ली, तो शाम को टाइम निकाल के 1-1.5 घंटा जो आपने एक्टिविटीज आज की थी उसको रिवीजन जरूर करना, उसकी रिवीजन जरूर करना, इस चीज का ध्यान रखना। डायग्राम्स की है तो डायग्राम्स शाम को उसकी रिवीजन जरूर कर लेना, रैंडमली 1-2 डायग्राम बना के देख लेना, उनके नेमिंग्स को अच्छे से दोबारा से याद कर लेना। और ये जो बात कर रहा था मैं नोट्स की, नोट्स जो आपने फॉलो करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट आपने अंडरलाइन करना है मेन वर्ड्स को, ताकि आपको मेन वर्ड्स जो वो याद रहे कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, उसके क्वेश्चन के अंदर जो इस आंसर का मेन वर्ड जो है वो कौन सा रहने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आता कि बाय द वे कुछ एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन हर बच्चे को मिल ही जाता है ऑलमोस्ट, कि उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे लिखना है, तो इसके लिए भाई ने आपके लिए ऑलरेडी एक टेक्निक ट्रिक वीडियो बनाई है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हो, ताकि टीचर हमें मजबूर हो जाए उस क्वेश्चन का नंबर मार्क्स देने के लिए। क्योंकि बोर्ड के अंदर एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, कोई ना कोई पूरे पेपर में से कम एक ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है जिसका हमें आंसर बिल्कुल भी नहीं पता होता, लेकिन हमें उसका आंसर लेना है, कैसे लिखना है, कैसे उसके मार्क्स जो टीचर से निकलवाने हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख के बिना साइंस का पेपर मत देना,
दोबारा से वार्निंग दे रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देख के ही अगर साइंस का पेपर देना, फिर मत बोलना सर मेरे दो क्वेश्चन छूट गए, मेरे तीन क्वेश्चन छूट गए। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर क्या वन शॉट वीडियो देखनी चाहिए, क्या मैराथन को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे पता मैराथन रेस चलती है, चार दिन की स्ट्रेटजी, तीन दिन की स्ट्रेटजी, तो क्या मैराथन वन शॉट वीडियो देखनी चाहिए। देखो बच्चों, वन शॉट वीडियो देखने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन वन शॉट मतलब वन शॉट वीडियो ही देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लॉन्ग वीडियो को देखते हैं। दूसरी चीज, अगर वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो उसी चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखना जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा या फिर जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। हर चैप्टर की आपको वन शॉट वीडियो देखने की नीड नहीं है, इससे बेटर है कि आप अपने नोट्स को फॉलो करो, क्वेश्चंस को फॉलो करो, पिछले बैक के 5 साल के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उन चीजों को फॉलो करो, ताकि आपको समझ सके कि बोर्ड एक्चुअल में क्वेश्चन जो कितने ट्रिकी डाल रहा है, आंसर में कैसे लिखो। तो वन शॉट वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, उसी की वन शॉट वीडियो देखना जिसमें आपको पता चल रहा है कि मुझे ये चैप्टर में कंफ्यूजन हो रही है, दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी है, परेशानी है। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्या मैराथन को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैराथन आपको पता है यहाँ पे चलती है 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। देखो बच्चों, पहला सजेशन तो मेरा यही है कि आप जिस टीचर से स्टार्टिंग से पढ़े हो उसी टीचर्स को फॉलो करो, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो आपका क्लास टीचर है, चाहे वो आपका ट्यूशन टीचर है, तो आप उसी टीचर को सब फॉलो करो, क्योंकि आप 365 दिन से उन टीचर से जो है पढ़ रहे हो, तो आपको समझ लग जाएगा कि उनके पढ़ाने की टेक्निक क्या है। तो मेरा कोई डाउट है वो अच्छे से सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, उनको आपका बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पता होगा कि आपको कैसे समझाना है, आपको कौन सी चीजें कैसे समझानी है, कैसे समझ आ रही आएगी या फिर कैसे समझ नहीं आएगी, तो उनको आपको बारे में आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो आप उन चीज को जो है अच्छे से समझ पाओगे कि यार ये वाला बंदा मुझे अच्छे से समझा पाएगा या फिर नहीं समझा पाएगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी मैराथन को फॉलो कर भी रहे हो तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अगर मानो एक बंदे ने मैराथन चलाई दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक, तो बहुत सारे बच्चे उसकी मैराथन देखते हैं, मैं बोलूँ मैराथन गलत होती है, लेकिन क्या करते हो आप बच्चों, 2 से 5 वाले मैराथन देखते हो। अब दूसरे टीचर ने मैराथन, किसी दूसरे यूट्यूबर ने मैराथन चलाई 7 बजे से 10 बजे तक, तो आप क्या करते हो इमीडिएटली स्किप करके उसकी मैराथन में चले जाते हो, तो बार बार आप मैराथन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। बेटा हमेशा एक वाइट में ध्यान रखना, हर बंदे की टेक्निक और पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो पहले आप अपने क्लास टीचर से पढ़े, किसी और यूट्यूबर से पढ़े, फिर आप किसी और की मैराथन में चलेंगे, फिर और किसी की मैराथन में चलेंगे, तो बार बार आप अगर स्विच करते रहोगे ना तो आपके माइंड को समझ नहीं कि यार मैं किसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं, किसके समझाने के तरीके को फॉलो करूं, क्योंकि हर किसी के समझाने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। तो आप सिर्फ एक ही बंदे की मैराथन को फॉलो करना अगर करना चाहते हो, तो अदरवाइज अगर आपको कोई क्लास टीचर है तो आप उस इंसान को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दो, चाहे जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है, चाहे वो आपको कोई यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या आप किसी क्लास टीचर से पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो। अगर मैराथन भी देखना चाहते हो तो सिंगल पर्सन की मैराथन देखना, जो आपको ए टू जेड कंप्लीट करवाए। बार बार स्किप करोगे तो आपके माइंड को भी कुछ भी समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो जस्ट इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम होगी आपकी। इससे बेटर कि आप मैराथन ना ही देखो, तो आप ये सब पैटर्न को फॉलो करो, और मैराथन देखना भी चाहते हो लेकिन इस पार्ट को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैराथन को एक साइड पे रख लो, वो आपको रिपीट भी हो जाएगी, लेकिन ये सारा क्वेश्चन को आपने किसी भी कंडीशन के अंदर स्किप नहीं करना है। स्टेप्स को फॉलो कर लो, डिफरेंसेस को मत छोड़ना, लास्ट वाइडियो के पीवाईटी कर लो, नोट्स को फॉलो करोगे अंडरलाइन कर लेना, एक्टिविटीज करके जाना, डायग्राम्स, एनसीईआरटी, इंडेक्स, बाकी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, उसकी वीडियो भी आपका भाई जल्दी है इस चैनल पर लेके आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।